वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है मई माह के महत्वपूर्ण दिवस। तो देखते हैं मई माह में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। तो सबसे पहले मई माह के पहले दिन आता है 1 मई। 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। अब बात करते हैं इसके की पॉइंट्स की। इसके की पॉइंट्स ये हैं, यह दिवस जो है मजदूरों के अधिकारों के प्रति समर्पित है। 1886 में अमेरिका में हो रहे मजदूरों के शोषण की वजह से मजदूरों ने एक आंदोलन किया और मजदूरी का समय 8 घंटे करने की मांग की। इस आंदोलन के बाद 1889 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन की दूसरी बैठक में मजदूरी के 8 घंटे निर्धारित हुए। साथ ही 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई और इस दिन अवकाश देने की बात की गई। तो 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। नेक्स्ट दिवस की बात करें तो ये है 3 मई। 3 मई को मनाया जाता है प्रेस स्वतंत्रता दिवस। प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। इसके की पॉइंट्स की बात करें तो दुनिया भर में प्रेस की आज़ादी के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जो है 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 1993 में हुई। इससे पहले अफ्रीका के पत्रकारों ने प्रेस की आज़ादी के लिए 3 मई 1991 में एक बयान जारी किया था जिसे डिक्लेरेशन ऑफ विंडहॉक के नाम से जाना जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, डिक्लेरेशन ऑफ विंडहॉक। इसके बाद 1993 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 3 मई को विश्व प्रेस दिवस या विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। किसने घोषणा की? संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने। ये इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ एक की फैक्ट पॉइंट्स हैं ये। नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे है 4 मई। 4 मई को मनाया जाता है कोयला खदान दिवस। कोयला खदान दिवस मनाया जाता है 4 मई को। की पॉइंट्स की बात की जाए तो कोयले की खदानों में काम करने वाली लोगों के प्रति समर्पित यह दिन कोयला खनन से संबंधित सावधानियों के प्रति जागरूक करने का प्रयास करता है। कोयला आज के समय में ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। कोयलों की खान में काम करने वाले मजदूरों में दमा और श्वास संबंधी बीमारी बहुत सामान्य है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता की वजह से कई मुश्किलों का सामना इन्हें करना पड़ता है। इन सब के विषय में जागरूकता करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो 4 मई को मनाया जाता है कोयला खदान दिवस। नेक्स्ट दिवस आता है 8 मई। 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। तो इसके की पॉइंट्स की बात करें तो जीन हेनरी ड्यूनेंट, जिन्होंने पीड़ित मानवता की बिना भेदभाव सेवा के लिए रेड क्रॉस अभियान की शुरुआत की, उन्हीं के जन्मदिन को आज विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जीन हेनरी ड्यूनेंट जो है इनके जन्मदिवस के रूप में जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इस समय दुनिया के 186 देशों में रेड क्रॉस सोसाइटी कार्य कर रही है। भारत में 1920 में पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन हुआ। निष्काम भाव से सभी दिन दुखियों की सेवा करना ही इस संगठन का कार्य है। युद्ध के मैदान हो या प्राकृतिक आपदा, यह संगठन सबकी मदद करता है। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो मनाया जाता है 8 मई को। नेक्स्ट दिवस आता है विजय दिवस। तो विजय दिवस जो है ये मनाया जाता है 9 मई को। अब बात करते हैं इसके की पॉइंट्स की। तो दुनिया भर में पक्षियों की लुप्त होती प्रजातियों और प्रवासी पक्षियों में आई कमी को ध्यान में रखते हुए यह दिन मनाया जाता है। मई के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करते हैं मातृ दिवस यानी मदर्स डे। ये मनाया जाता है मई के सेकेंड संडे को। तो माँ के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना के विस्तार के लिए हर साल मई के दूसरे रविवार को मातृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। आधुनिक दुनिया में संबंधों में बढ़ती दूरियों की वजह से आजकल युवा अपने माता को वृद्ध आश्रम भेज देते हैं। ऐसे में माँ के महत्व के प्रति उनके समर्पण जागरूक करने के लिए दिन मनाना और भी प्रासंगिक हो जाता है। नेक्स्ट दिवस आता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। तो ये मनाया जाता है 11 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 11 मई को।
अब बात करते हैं इसके की पॉइंट्स की। तो तकनीकी के क्षेत्र में किए गए विकास और विभिन्न वैज्ञानिकों इंजीनियरों के सम्मान में देश भर में 11 मई को राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1998 में पोखरण में 11 मई के दिन परमाणु परीक्षण किया गया था, जिसमें भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को जबरदस्त सफलता प्राप्त हुई। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी ने 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तो 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे। अब बात करते हैं 12 मई। तो 12 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। इसके की पॉइंट्स की बात करें तो फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्मदिन पर हर साल दुनिया भर में 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, जिसके माध्यम से नर्सों के कार्य का सम्मान किया जाता है। इस समय जब दुनिया कोरोना जैसी महामारी से लड़ रही थी, ऐसे में यह दिन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट दिवस आता है 14 मई। तो 14 मई को मनाया जाता है विश्व प्रवासी दिवस। नेक्स्ट दिवस की बात करें तो यह 15 मई। 15 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, इंटरनेशनल फैमिली डे। तो की पॉइंट्स की बात करें तो वर्ष 1994 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष घोषित किया था, जिसके माध्यम से दुनिया भर के लोगों को परिवार के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया। इसके बाद से ही 15 मई को विश्व परिवार दिवस, 15 मई को मनाया जाता है विश्व परिवार दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आज के समय में टूटते पारिवारिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए विश्व परिवार दिवस मनाना और भी जरूरी हो गया है, जिससे लोगों को परिवार का महत्व समझाया जा सके। नेक्स्ट दिवस आता है 17 मई। 17 मई को मनाया जाता है विश्व दूर संचार और सूचना सोसाइटी दिवस। विश्व दूर संचार और सूचना सोसाइटी दिवस मनाया जाता है 17 मई को। अब बात करते हैं इसके की पॉइंट्स की। तो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के माध्यम से इंटरनेट और नई प्रौद्योगिकियों द्वारा समाज में आए सामाजिक परिवर्तनों से लोगों को परिचित कराया जाता है। यह दिन मानव के मूलभूत अधिकारों के प्रति जागरूक करने और सामाजिक विकास के लिए प्रस्तुत की गई सूचना को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मनाया जाता है। मलेगा टोर्री मेलिनोन्स में एक सम्मेलन के दौरान वर्ष 1973 में 17 मई को यह दिवस मनाए जाने की घोषणा की, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व दूर संचार सूचना सोसाइटी दिवस ये मनाया जाता है 17 मई को। नेक्स्ट दिवस आता है आतंकवाद विरोधी दिवस। आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है 21 मई को। की पॉइंट्स की बात करें तो आज के समय में सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में से एक आतंकवाद है, जिसके विरोध में यह दिन मनाया जाता है। वर्ष 1991 में तमिलनाडु के श्री पेरबंदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या एक आतंकी हमले में 21 मई को कर दी गई थी, जिसके बाद 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के तौर पर मनाने का फैसला लिया गया। तो 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस। नेक्स्ट दिवस आता है राष्ट्रमंडल दिवस, ये मनाया जाता है 24 मई को। राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है 24 मई को। अब बात करते हैं इसके की पॉइंट्स की। तो कॉमनवेल्थ डे जो है, यानी कि राष्ट्रमंडल दिवस जो है, हर साल 24 मई को मनाया जाता है। पहले इसे एम्पायर डे के रूप में मनाया जाता था, उसके बाद हेरोल्ड मैकमिलन ने इसका नाम बदल कर, ये इम्पॉर्टेंट है, हेरोल्ड मैकमिलन ने इसका नाम बदल कर राष्ट्रमंडल दिवस रख दिया। इंग्लैंड की महारानी ने वर्ष 1901 में सबसे पहले राष्ट्रमंडल दिवस मनाने का जिक्र किया था। वर्ष 1902 में महारानी के निधन के बाद से राष्ट्रमंडल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा। राष्ट्रमंडल के समूह में वो देश आते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम थे। नेक्स्ट लास्ट दिवस है 31 मई को मनाया जाता है तंबाकू निषेध दिवस, ये इम्पॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है तंबाकू निषेध दिवस, ये मनाया जाता है 31 मई को। की पॉइंट्स की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने वर्ष 1987 में तंबाकू के दुष्प्रभावों को ध्यान में रखते हुए 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी, जिसके बाद से हर साल इस दिन विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाने लगा।
इस दिन के माध्यम से तंबाकू मुक्त और स्वस्थ बनाने हेतु लोगों को जागरूक किया जाता है। तो फुली जो है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।